जिले के रसड़ा नगर पालिका के नवनिर्वाचित बसपा अध्यक्ष विनय शंकर जायसवाल के शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने का खुला समर्थन करते हुए विपक्ष से सवाल किया कि पीएम मोदी से उद्घाटन का विरोध करने वाले जो लोग अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति से नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे को उठा रहे हैं वे जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी तब उनके विरुद्ध प्रत्याशी उतार कर उनका विरोध क्यों कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी है, विरोध के मुद्दे जनहित के होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से जो लोग भी विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष का मतलब होता है एक नैतिक जिम्मेदारी और मुद्दों पे आधारित हमारा विपक्ष होना चाहिए और विरोध होना चाहिए। आप बताइए, आज जिस शब्द को लेकर के विरोध किया जा रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा एसटी की राष्ट्रपति हैं अनुसूचित जनजाति की उनके द्वारा कराया जाना चाहिए, और जो लोग इस मुद्दा को उठा रहे हैं, मैं थोड़े से पहले आपको लेके जाऊंगा, जिस समय वह उम्मीदवार बनी थी तो यही लोग क्यों उनके खिलाफ, एक महिला के खिलाफ, एसटी की महिला, आदिवासी महिला के खिलाफ, यही लोग जो आज उनके नामों की दुहाई दे रहे हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किए और निर्विरोध उनका चयन नहीं होने दिए और उनका चयन वोट से हुआ। आप बताइए, ऐसे लोगों की बात करते हैं तो जनता नहीं देख रही है? तो विपक्ष के हंगामे का पूरा विरोध कर रहे हैं? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष के पास मैं तो पूछ रहा हूँ कि जिस समय उनके साथ खड़ा होना चाहिए जब वो चुनी जा रही थी देश के मध्यम नागरिक के रूप में, उस समय आपने उनका विरोध किया और आज जो है आज उनका नाम लेके कह रहे थे, दोनों तरफ तो नहीं चलेगा भाई। हर एक व्यक्ति, अभी चेयरमैन साहब है जो अपने कार्यकाल में जो काम कराएंगे तो अपना पत्थर लगवाएंगे ना, कि अब हम विधायक हैं किसी आ जाए अरे भाई हमसे हमारा क्यों नहीं करा है। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ये सब मैंने पॉलिटिकल, ये सब विरोध का मुद्दा नहीं है। विरोध का जहाँ मुद्दा होना चाहिए, जनहित के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारा विरोध होना चाहिए, लेकिन यह कह करके कि महामहिम राष्ट्रपति से कराना चाहिए, मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि जब महामहिम राष्ट्रपति का चयन हो रहा था उस समय आपने उनके खिलाफ प्रत्याशी क्यों खड़ा किया, उनका चयन निर्विरोध क्यों नहीं होने दिया। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।